मैं हूं संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस शुरू करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। सो दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम लोग को एक यू टर्न जो है वो एक्सपेक्टेड है। कल मार्केट ने हम लोग को क्लोजिंग दिया था 15,930 पे और अभी जो हम लोग को आज क्लोजिंग मिला है वो 16,074 पे मिला। मतलब जिस टाइप का यू टर्न हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इतना बड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मार्केट गिरा भी नहीं, यहाँ से मार्केट ने यू टर्न जो है वो ले लिया है। सो एज पर द एक्सपेक्टेशंस हम लोग का यहाँ पे काम हो गया है। 15,970 का लेवल डिस्कस किया था बाय अबो का, वहां से हम लोगों को जो लेवल टू डिस्कस किया था 16,061 वो आराम से मिल गया है। और क्यों मैं अपने लेवल्स को मैजिकल लेवल्स कहता हूँ यहाँ पे आप लोग को देख करके क्लियरली आ जाएगा। 15,930 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक होने वाला था, एग्जैक्टली इसने पिन लगाया इस लेवल को और यहीं से बाउंस बैक जो है वो मार्केट में हम लोग आज के दिन में देखने को मिला है। अगर से हम लोग बात करने जाए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में, तो हम लोग को जो पहली कैंडल है इसने क्लोजिंग यहाँ पे दिया था जो कि 34,870 का बुलिश अबो का लेवल था, वहीं से मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। पी की कॉल मैंने आप लोगों को भी दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम ग्रुप में, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ट्रेड कराई थी। सो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया एंड देन हम लोग को यहाँ से बाउंस बैक जो है एज एक्सपेक्टेड एज पर द प्लानिंग हम लोग को वो मिल गया था। और प्राइम ग्रुप की अगर मैं रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का आज का डेटा जो है मेरा रहा था, काफ़ी शानदार प्रॉफिट जो है आज के दिन हम लोग को मिले हैं। जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे स्टॉक जो है आप लोग चार्ट्स पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आपके जो स्टडीज़ वगैरह है या फिर चार्ट रीडिंग है इनके लिए ये स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आप लोग के लिए होने वाले। और जो तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ में शेयर किए थे आज के दिन की ट्रेडिंग के लिए, यानी कि आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग के साथ में, चलिए उसकी परफॉर्मेंस एक बार हम लोग जाकर के चेक कर लेते हैं कि आज हम लोग को वो जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मिली थी। सो देख लीजिए गाइज हम लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट की हम लोगों को यहाँ पे कैंडल मिली थी, इसके हाई के ऊपर हम लोगों को बाई करना था, बियॉन्ड लेवल 1 मिला देन नीचे आया, लेकिन हम लोगों ने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था 1,758 का। कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई आइदर, कहीं भी आप लोगों ने इसका एंट्री लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,785 का हम लोग को टारगेट मिल गया। एस्ट्रल की सीज में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो देखने को मिल गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बेहतरीन आज के दिन की कॉल हम लोग की चली है, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने इसे बाय करवाया था, यहाँ पे हम लोगों को मिला था 5,600 रुपये का प्रॉफिट। एंड देन जब यहाँ पे फिर से आया था तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे फिर से नोटिफिकेशन दिया था कि यहाँ पे हम लोग को बाई साइड और एक बार मिल गया है। एग्जैक्टली इसने पिन कहाँ पे लगाया था, हम लोगों का 2,502 का मैजिकल लेवल पे, यहाँ से फिर से और एक बार मार्केट ऊपर चला गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ एक स्टॉक में 10,000 के ऊपर प्रॉफिट जो है हम लोगों का है, एक स्टॉक में 2 ट्रेड्स हम लोग के बने हैं सिंगल लॉट्स की बात कर रहा। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर से आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है, मेहनत करने का आप लोगों का जो डायरेक्शन है वो अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा पैसा जो है बनाया जा सकता है। सीमेंस देख लीजिए आज के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था, सॉरी तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी। ओपनिंग हम लोगों को नीचे मिला था, कैंडल कहीं पे भी क्लोज नहीं हुई थी, कैंडल इसकी जो बनी थी वो थी एग्जैक्टली हम लोगों का जो नो ट्रेड जोन है उसके बीच में। सो यहाँ पे बाइंग का कोई सवाल नहीं उठ रहा था, देन ये कैंडल ने हम लोग को क्लोजिंग नहीं दिया था, सो यहाँ पे भी बाइंग का कोई सवाल नहीं था, नीचे आया सो क्लोजिंग नहीं। अगर गलती से यहाँ पे किसी ने एंट्री कर भी ली थी तो एसएल तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को मिला था कैंडल क्लोज, इसके ऊपर हम लोगों का बाई एंड हम लोग को लेवल 2 यहाँ पे मिला, बियॉन्ड लेवल 2 भी मिला था सीमेंट्स में, यानी कि सीमेंट्स की सी में अच्छा प्रॉफिट मिला। सीमेंट्स भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड कराई थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को मिला है। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे गाइस 253 एपिसोड्स तक फिर से 99% की एक्यूरेसी, जैसे मैं डेली आप लोगों के साथ में बात करता हूँ वो बरकरार है, कोशिश रहेगी 365 डेज तक इसे मैं बरकरार रख सकूँ। इसके लिए आप लोगों का हेल्प एंड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर से आप लोग चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं, और दोस्तों अगर से आप लोगों ने मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा, क्योंकि आज जिस लेवल से बाउंस बैक हुआ था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वो लेवल्स नोटिफिकेशन थ्रू मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उनको नोटिफाई कर दिया था। सो ऑब्वियसली जहाँ से बैंक निफ्टी फेक ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे किसी ने भी बाई नहीं किया था पी को, और ऑब्वियसली वहीं से मार्केट जो है रिवर्स हुआ था। सो आप लोग भी ऐसे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स सेम नेम है, प्ले स्टोर पे जाकर भी कर लीजिए। फ्री कंटेंट भी इसको सैटरडे संडे पे अपलोड होने वाला है, पेड कंटेंट भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए बात करेंगे कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, वो रहेगी TCS की।
अब टीसीएस को देख लीजिए गाइस, एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा हम लोगों को वॉल्यूम जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और टीसीएस जो है वो अपनी पोजीशंस को एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। सो अगर हम लोगों को यहीं से ट्रेंड कंटिन्यूशन मिल जाता है अपसाइड में, तो 3002 के ऊपर टीसीएस बुलिश हो जाएगा, 3030, 3031, 3055 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2980 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर ये अपसाइड में नहीं चला जाता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है, तो 2980 के नीचे टीसीएस वीक है, 68, 52 और 30 हमारे डाउनसाइड के लेवल से, तो 3002 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बात करेंगे कल के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जो कि रहेगी यूबीएल की। अब यूबीएल को अगर हम लोग देखेंगे तो एंड ऑफ द डे देख लीजिए, हम लोग एक वॉल्यूम दिख रहा है, डाउनसाइड से एक अच्छा सपोर्ट लाइन इसने क्रिएट करके रखा हुआ है। कल अगर इसको ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है तो 1658 के ऊपर यूबीएल बुलिश है, 62, 68 और 75 हमारे अपसाइड के लेवल्स है, तो 1647 यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस है। और जो कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है हमारी, वो रहेगी ग्रासिम की। ग्रासिम में भी एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम एंटर हो चुका है, स्टॉक अपनी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है जो कि सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ से हम लोगों को एक बाउंस बैक मिल जाता है तो 1401 के ऊपर ग्रासिम बुलिश है, 6, 17 और 27 अपसाइड के लेवल से, तो 1393 स्टॉप लॉस है। इन केस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने में कामयाब हो जाता है तो 1393 के नीचे वीक है, 1401 हमारा स्टॉप लॉस, 1388, 80 और 71 डाउनसाइड के लेवल्स का। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है जब भी आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि ये अगर हम लोगों का बाय अबाउ का लेवल है तो प्राइस एक्शन का सेटअप यहाँ पर बनना जरूरी है। इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हमारी क्लोज हो जाएगी, अगली कैंडल हम लोगों की इसके ऊपर हाई ब्रेक करना शुरू कर देगी, तब हम लोग अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि बाय ऑर्डर्स को, ना कि हम लोग इन नंबर्स पे अपने ऑर्डर्स को लगा करके रखेंगे पहले से। और अगर इस लेवल को आप लोग स्टॉप लॉस के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो मैन्युअली अपने ऑर्डर्स को हम लोगों को यहाँ पे ट्रिगर कर देना है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के और निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में, पहले तो जाकर के एक बार डे टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। सो देख लीजिए, कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी पे एक सपोर्ट दिया था, सपोर्ट से हम लोगों को एक बाउंस बैक मिल गया है। अब मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज बना लिया है, सो हम लोग को रेंज के बीच में ही ट्रेड करना है। बीइंग इंट्राडे ट्रेडर्स, रेंज दिखने में बहुत ईजी होती है, ट्रेड करने में उतनी ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक मूव के साथ में भी बड़ी बुलिश कैंडल बना लेता है, लेकिन उसने दिन में कितने अप्स एंड डाउन लिए थे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के कितने स्टॉप लॉसेज जो उसमें हिट हो गए थे। सो यहाँ पे अगर हम लोगों का डे हाई चला जाता है कल के दिन में, तो हम लोगों को अपसाइड में एक अच्छी खासी रैली जो है वो देखने को मिल जाएगी निफ्टी के फ्यूचर पे। अब फ्यूचर पे क्यों लेवल्स देता हूँ गाइज आप लोगों के साथ में, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो फ्यूचर के लेवल से हमारे कुछ काम के नहीं, हम तो ऑप्शन बायर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेड करते टाइम पर आप लोगों को वॉल्यूम देखना है, इसलिए फ्यूचर ही आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता रहूंगा मैं कि आप लोग को फ्यूचर पे देख करके ट्रेड करना। सारे लेवल्स आप लोग अपने चार्ट्स पे जाकर के ड्रॉ कर दीजिए ताकि लाइव मार्केट आर्ट्स में जब भी प्राइस एक्शन का सेटअप बनेगा आप लोग को इसे कैच करने में आसानी हो जाएगी। निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, 16,084 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 130, 174, 222 और 292 हमारे अपसाइड के लेवल्स है। इन केस अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो 16,030 के नीचे ये बेयरिश है, 993, 952, 910 और 854 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी के फ्यूचर के लिए। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स के बारे में। सो देख लीजिए, इसने भी एक डोजी बनाई है, एग्जैक्टली सपोर्ट कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर इसके हाई चला जाता है तो ये जो हाई हम लोगों का है यहाँ तक हम लोगों का अपसाइड में एक मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता है ऑप्शंस में, वो लोग कल का वीडियो जाकर के देख लो और फिर आज का वीडियो आकर के आप लोग देख लो, आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करने से ही आप लोग बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल ही चीज़ों की तरफ हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है बहुत क्रिटिकल होगा ये, बहुत ही अच्छे से हम लोग कर पाएंगे तभी प्रॉफिट बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों के साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। 34,830 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश रहेगा, 925, 35,037, 35,161 और 300 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, जबकि अगर ये डाउनसाइड में नीचे आ जाता है तो 34,730 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक रहेगा, 641, 535, 442 और 297 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं फिर बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स को, हम लोगों ने उनकी एंट्री एग्जिट और इनके जो लेवल्स है वो सारे लॉजिक्स के साथ में यहाँ पे समझ के लिए है। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक और मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक जो है वो देकर के रखा हुआ है। लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक और कमेंट नहीं किया होगा तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।